नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को तरल लिक्विड औद्योगिक एल्कोहल को ठोस रूप में परिवर्तित करने की एक सस्ती प्रक्रिया विकसित करने में सफलता मिली है। हम पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के प्रतिस्थापन के रूप में जैव ईंधन विकसित करने पर काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिव ईंधन के रूप में जैव एथेनॉल के बाद इस तकनीक के विकास से खानपान, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्र कार्य सेना के उद्देश्य में हीटिंग और वार्मिंग उद्देश्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद पैराफिन मोम के स्थान पर एथेनॉल को ठोस रूप का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के निदेशक श्री नरेंद्र मोहन ने पत्रकार वार्ता में ये बताया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। लोग कहते हैं कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो अब इथेनॉल के ऊपर या बायोफ्यूल्स के ऊपर या बायो एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि चीनी सरप्लस में है। पिछले 5-6 साल से हम लोग चीनी आवश्यकता से ज़्यादा बना रहे हैं, और अगर चीनी बाजार में रहेगी तो संतुलन बिगड़ेगा मांग और आपूर्ति का, तो चीनी के दाम कम हो जाएंगे। बड़े पैमाने पे हम लोगों ने जो काम किया वो बायोफ्यूल के ऊपर किया, और आप लोगों से पहले भी जब वार्ता हुई तो हमने बताया कि हमने शुगर को डाइवर्ट करने की कोशिश की और डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम शुगर के जूस से। अब हमने क्या किया कि हमने इथेनॉल एक विकल्प तैयार किया जो कि पेट्रोल के साथ आप उसको मिलाकर और ईंधन के तौर पर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, आपको मालूम है कि बहुत दिनों से इस विषय पे काम कर रहा है कि किस प्रकार से अधिक जो है जैव उत्पादों को सामने लाएं, जो कि जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक लंबा सफ़र तय किया है, और आपको मालूम है कि देश के एथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इस तरीके से हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बायो प्रोडक्ट्स हैं। 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, जिससे कि देश आत्मनिर्भर होगा और जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा, और उस तरीके से हम एक जो है जैव उत्पाद सामने लेके आए। उसी कड़ी में हमने ये देखा कि अगर हम इथेनॉल जो है या एल्कोहल जो है उसको अगर हम किसी प्रकार से एक ठोस एल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो भी जो कई सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका विकल्प हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप खाना गर्म करने के लिए अगर देखें, कैटरिंग इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है, तो वो अपना खाना गर्म करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, जिसमें पैराफीन का भी इस्तेमाल करती है। या आप देखें कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं, तो उनको भी अपने खाने के लिए या अपने को गर्म रखने के लिए उनको भी इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने को गर्म रखने के लिए या खाना पकाने के लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इनका रिप्लेसमेंट हम देखें और उससे कोई बायो प्रोडक्ट सामने लाएं। उसी कड़ी में हमने इस एल्कोहल को ठोस के रूप में परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो संस्थान का है उसने इस उपलब्धि को हासिल किया। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव और ममता शुक्ला जो रिसर्च स्कॉलर थी उन्होंने किया। पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी जो थी वो बिल्कुल एकदम एक बायो प्रक्रिया है, जिसमें कि हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अल्कोहल जो था वो एक बायो ओरिजिन का था। इसके अलावा हमने जो भी केमिकल इस्तेमाल किए, चाहे कि वो इग्निशन डोप थे या क्योरिंग एजेंट्स थे, जिसमें कि हमने फैटी अल्कोहल्स का इस्तेमाल किया या दूसरे रसायनों का उपयोग किया, सारे के सारे बायो ओरिजिन के थे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो उत्पाद है, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपको मालूम है कि जब आप उसको जलाएंगे तो वो आपको एक तरीके का सूट भी देंगे, आपको गैसेस का एमिशंस भी होगा जो वातावरण में जाएंगी, तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। और जिन लोगों ने पहले अल्कोहल को ठोस अल्कोहल में परिवर्तित करने की कोशिश की, उनके संग ये समस्या थी कि वो ठोस के रूप में अगर परिवर्तित होता भी था तो थोड़े ही समय में वो लचीला हो जाता था या पेस्ट के रूप में बदल जाता था। तो अतः हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसमें कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, और वो अल्कोहल को हमने एक ठोस में परिवर्तित किया जिसकी अच्छी शेल्फ लाइफ है।